नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। लालकुआ में रेलवे प्रशासन की तरफ से नगीना कॉलोनी में लोगों से घर खाली करने को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम नोटिस लगाने पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल के नेता भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसी के चलते नेताओं का धीरे धीरे कॉलोनी में आना भी शुरू हो गया है। इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल भी नगीना कॉलोनी पहुंचे, जहाँ उन्होंने लोगों की समस्या को सुना और मदद का भरोसा भी दिया। नगीना कॉलोनी में जो ये इन्होंने नोटिस लगा रखा है, मैं तो आज ही आ रहा हूँ यहाँ। जो मुझे जानकारी मिली है धरना प्रदर्शन की और अखबार के माध्यम से, तो मैंने उचित समझा कि मैं जाके लोगों के बीच में बातचीत करूँ। तो जो अभी मेरी लेटेस्ट बात हुई है, आज ही मेरी बात हुई है, अभी SDM से बात हुई है और तहसीलदार से बात हुई है और DRM इज्जत नगर से मेरी बात हुई पंत जी से। उन्होंने कहा मैं कल को यहाँ भेजूँगा पांडे जी को जो काठदाम बैठते हैं। और इससे पहले परसों मेरी जिलाधिकारी नैनीताल से भी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं SDM को निर्देश दे रहा हूँ, SDM साहब से भी बात हो गई है। खबर सिडकुल हरिद्वार से है, जहां एक एम्बुलेंस के अंदर अवैध शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिडकुल स्थित राजा बिस्कुट चौक के पास अवैध देसी शराब सहित मां वैष्णो के नाम से संचालित होने वाली एम्बुलेंस की को स्थानीय एम्बुलेंस चालक विपिन की ओर से पकड़ लिया गया, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि एम्बुलेंस अंकुर कुमार निवासी BHL हरिद्वार की है। ग्राम सभा बैंगवाड़ी के उपग्राम रेंगार तमखेतु सेरा में नेपाली मूल का 18 साल का युवक सुनील बहादुर भालू के हमले से घायल हो गया। वहीं युवक के चिल्लाने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने युवक की जान बचाई। पौड़ी प्रमुख दीपक खुकसाल ने युवक को निजी वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द भालू को इस क्षेत्र से हटाकर दहशत से निजात दिलाई जा सके। उत्तराखंड में पहुंचने के लिए दिल्ली से देहरादून तक बने नेशनल हाईवे बनने से लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचा है, लेकिन नेशनल हाईवे बनने से पब्लिक जोन में एक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए हरिद्वार SSP ने परिवहन विभाग के अधिकारी और नेशनल हाईवे के आला अधिकारियों के साथ हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड के नासन बॉर्डर तक एक्सीडेंटल जोन के ब्लैक स्पॉट का दौरा किया और नेशनल हाईवे से लगने वाली सभी कस्बे नगर और दूसरे एक्सीडेंटल जोन के सभी ब्लॉक स्पॉट का भी निरीक्षण किया। वहीं मौके पर तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। महज 1.5 घंटे की बारिश से शहर की सड़कों में भारी जल जमाव हो गया है, जिसके चलते पैदल चलने और वाहन चलाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पहले नगर निगम शहर की चौक नालियों को साफ करने और जल भराव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजामों का दावा कर चुका है, लेकिन आज मानसून के दौरान हुई केवल 1.5 घंटे की बारिश ने नगर निगम के तमाम वादों की पोल खोलकर रख दी है। जल भराव की जहां तक हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से नैनीताल रोड में जल भराव की स्थिति वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही है। अत्यधिक वर्षा अगर हो जाएगी तो जल भराव होता ही है। ड्रेनेज लेकिन सिस्टम की भी दरकार है शहर को, तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी वर्तमान में उस पर उसकी कार्ययोजना वर्तमान में चल रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुका है और हल्द्वानी प्रमुखता से इस ड्रेनेज सिस्टम के प्लान में लिया गया है। आज उत्तराखंड परिवहन व्यवसायी काली पट्टी बांध का काला दिवस मना रहा है। दरअसल परिवहन महासंघ के उप जिलाधिकारी को तहसील में जाकर एक ज्ञापन भी दिया, जो प्रधानमंत्री को प्रेषित ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश के परिवहन व्यवसायी अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री को ज्ञापन देंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर पूरे जो है राष्ट्र में ये मुहिम चल रही है, क्योंकि डीजलों की में डीजल और पेट्रोल में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसके संबंध में, और जो ई वे बिल है उसके संबंध में, और जो महंगाई हो रही है उसके संबंध में, तो ये इन सब सारे विषयों के संबंध में जो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर उत्तराखंड परिवहन महासंघ आज जितने भी इससे संबंधित जुड़ी हुई संस्थाएँ हैं उत्तराखंड परिवहन महासंघ में, वो सब उपजिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय और जितने भी हमारे संस्थाएँ वो हैं उनके माध्यम से जो है ज्ञापन प्रेषित करेगी डीजल की बढ़ोतरी पर और हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर।
भगवानपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बता दें कि मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी को चाकू से पहले उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने शहर में हुई तीन टप्पेबाजी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात करने वाले सांसी गैंग के तीन टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपराधियों के कब्जे से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। बता दें कि पूछताछ में आरोपियों ने अपने दो साथियों के शामिल होने की बात भी पुलिस को बताई, जो अभी फरार है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।